हेलो, गुड इवनिंग। नया साल गुड आप इवनिंग सभी को सर। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो नया साल है, इस नए साल में आपका जो भी रिजोल्यूशन है, जो भी आपने सोच रखा है, अभी सबसे प्रायोरिटी तो आपकी ये होगी कि किसी तरह CIB हो जाए और नया साल की शुरुआत में ही वो फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाए, तो आपको जल्दी से नए साल का जश्न मनाने को मिल सकता है अगर आप 1 महीना इस जश्न के लिए दे दें। मेरा मतलब सीधा सीधा है, आज फर्स्ट जनवरी है और 1 जनवरी से लेकर के आपके जो फरवरी में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, 30th को आपका फर्स्ट पेपर है, उसके बाद नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट संडे, बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो इससे बढ़िया टाइम आपको आगे नहीं मिलने वाला। मौसम जाड़ों का है, इसका मतलब ये होता है मौसम जाड़ों में पढ़ने की ज्यादा गुंजाइश होती है बनस्पत गर्मियों के, ठीक है। और टाइम भी अप्रोप्रिएट है, सब कुछ है, आपकी क्लोजिंग का प्रेशर भी अभी नहीं है। क्लोजिंग का प्रेशर अगर यही एग्जाम मार्च लास्ट में हो जाता या अप्रैल में होता तो बहुत होता, तो आप इस एग्जाम को देने के बाद भी बैंक के लिए काफी समय दे सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप CIB को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आपको पूरा मैं ध्यान स्टडी में लगा देना चाहिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है कि मार्केट रिस्क चल रहा है, और मार्केट रिस्क का जो ये टॉपिक है ये ऑलमोस्ट एंड पर है। आज हम इसको एंड पर ले आएंगे। अगर कुछ छूट भी जाएगा तो हम उसको आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आज मार्केट रिस्क को हम कंक्लूड कर रहे हैं। आपको अगर कुछ छोटी सी बात कहनी तो जल्दी से कह सकते हैं, क्योंकि फिर मैं आपका माइक म्यूट करने वाला हूं। क्या चीज़ सर, कोर्स की वैलिडिटी कोर्स की खत्म वैलिडिटी वाली बात करने का भी समय नहीं। और बोलिए, कुछ और बोलिए। कोर्स सर, म्यूट कर दीजिए, क्लास बिल्कुल स्टार्ट करिए। वेरी गुड, बिल्कुल मेरा भी मन यही कर रहा था कि मैंने आपको म्यूट कर दिया है। और जहां पर हमने लास्ट में हमने छोड़ा था, हमने मार्केट रिस्क को काफी कुछ समझते हुए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पर लाके छोड़ा था। और जब हम लगातार क्लासेस ले रहे हैं तो हमें पता है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मोटा मोटा काम क्या है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मोटा मोटा काम क्या है, तो यहाँ पर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग काफी स्ट्रक्चरल उसको समझ चुके हैं। केवल हमको क्या करना है कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में कुछ क्रक्स बातें अगर हैं तो उनको हमें कवर करते हुए चलनी है। तो रिस्क एंड मॉनिटरिंग में देखिए, सबसे पहले यहां पर कॉल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसी साइमल्टेनियसली, इट कंसिस्ट ऑफ सेटिंग द मार्केट रिस्क लिमिट। तो यहां पे पहले तो मार्केट रिस्क की लिमिट को सेट करना और उसको कंट्रोल करना, दोनों बातें इसमें आ गई। बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक मेजर ऑफ द रिस्क व्हाइल एंश्योरिंग द बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो इतना रिस्क लेना है, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी रिस्क तो है लेकिन वो रिस्क एडजस्टेड से बेस्ट रिजल्ट कैसे आ जाए कैपिटल का, तो उस चीजों को उन पॉइंट्स को लेके चलना है। कंट्रोलिंग मार्केट रिस्क मीन्स कीपिंग द वेरिएशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन पोर्टफोलियो विद इन द गिवन बाउंड्री वैल्यूज थ्रू एक्शंस ऑन लिमिट। तो यहां बोला कीपिंग द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ ए गिवन पोर्टफोलियो विद इन द गिवन। तो यहां पर जो उन्होंने बाउंड्री दे रखी है उतने वेरिएशन तक, अगर उन्होंने कहा है कि इस लेंथ तक आप कर सकते हैं तो जो भी आप काम करेंगे इसके अंदर अंदर करेंगे, इससे बाहर नहीं आना, तो गिव इन द बाउंड्री और उसका वेरिएशन उसी बाउंड्री के रेंज में रहना चाहिए, ठीक है। विच आर अपर बाउंड इम्पोज ऑन दिस, और यहां पे उसने बोला हुआ सबसे पहली बात अपर बाउंड इम्पोज, लोअर के लिए नहीं है,
मैक्सिमम आप इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, लोअर तो सबसे अच्छा है, 0% रिस्क ले आइए आप, ठीक है, थ्रू। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला हमने पढ़ा पॉलिसी गाइडलाइन लिमिटिंग रोल्स एंड अथॉरिटी, लिमिट स्ट्रक्चर एंड अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए आपके पास, सिस्टम एंड प्रोसीजर टू अनबंडल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन टू कैप्चर ऑल रिस्क। अगर आपसे मैं ये पूछूं, क्या कहीं पर आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पढ़ा था हमने पीछे कहीं पे, किसी को याद आता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट ट्रांजिशन, बोलिए थोड़ा सा बोलिए, प्रोडक्ट डेवलप, न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, कुछ पढ़ा था ऐसा? हाँ हाँ पढ़ा था, रिस्क मॉडल होते हैं ना उसमें। कहाँ पे पढ़ा था ये? टेस्टिंग में पढ़ा था। किसमें? टेस्टिंग में सर, जैसे बैक टेस्टिंग न्यू मॉडल के लिए होती है। प्रोडक्ट को भी टेस्ट करते हैं, क्या है प्रोडक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे बोला अनबंडल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन टू कैप्चर ऑल रिस्क। तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट को अनबंडल भी करना पड़ता है, ठीक है। गाइडलाइंस ऑन पोर्टफोलियो साइज एंड मिक्स, कितना पोर्टफोलियो साइज रखेंगे, कितना मिक्स रखेंगे। सिस्टम फॉर एस्टिमेटिंग पोर्टफोलियो रिस्क अंडर नॉर्मल एंड स्ट्रेस्ड सिचुएशन, डिफाइंड पॉलिसी फॉर मार्केट मार्क टू मार्केट, लिमिट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड। तो ये जो पॉइंट्स दिखाए थे, इसमें से सिंपल वैसा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सी चीज जो है मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट रिस्क से रिलेटेड है या नहीं है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। फिर आगे है आपका लिमिट एंड ट्रिगर्स। तो लिमिट एंड ट्रिगर से मतलब क्या है, कितनी आप लिमिट। तो उसने बोला अप्रूव्ड मार्केट रिस्क फॉर फैक्टर सेंसिटिविटीज एंड वैल्यू एट रिस्क आर ड्यूली सेट बाय द डेजिग्नेटेड। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हमारी कौन होती है, इसने बोला रिस्क पॉलिसी कमेटी जो होती है सेंसिटिविटीज और वैल्यू एट रिस्क को अप्रूव करती है, उनकी लिमिट को अप्रूव करती है। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द यूनिट्स कैपेसिटी एंड कैपेसिटी टू परफॉर्म विद इन दोज। तो पहले बार उसकी कैपेसिटी क्या है और उस लिमिट में परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग रिवेन्यू। यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि अप्रूवल जो होता है वो किन चीजों पे बेस्ड होता है। तो पहला पॉइंट इसमें यूनिट की कैपेसिटी पर, दूसरा क्या है कैपेबिलिटी टू परफॉर्म विद इन दोज लिमिट, उसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग रिवेन्यू। यहां से एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऊपर उसने बोला सेंसिटिविटी एंड वैल्यू एट रिस्क, लिमिट फॉर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड एक्रुअल पोर्टफोलियो आर मेजर्ड डेली, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अगर पूछा जाएगा सेंसिटिविटी और वैल्यू ऑफ रिस्क कब मेजर की जाती है, तो इसका आंसर होगा डेली, ठीक है। रियल मार्केट रिस्क इज नॉट मेजर डेली, रिस्क टेकिंग यूनिट मस्ट हैव प्रोसीजर्स दैट मॉनिटर एक्टिविटी टू एंश्योर दे रिमेन विद इन द अप्रूवल। तो वो कहता अगर कोई डेली मेजर नहीं कर रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए जो कि ये आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करे कितना कि वो हमेशा अप्रूव्ड लिमिट में हमेशा रहे। अप्रूव्ड मैनेजमेंट ट्रिगर्स और स्टॉप लॉस लिमिट, ट्रिगर्स का मतलब था एकदम एक्शन ले लेना एक तरह से, ठीक है। तो उसने बोला हुआ अप्रूव्ड मैनेजमेंट ट्रिगर्स एंड स्टॉप लॉस लिमिट्स फॉर ऑल मार्क टू मार्केट रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज, एप्रोप्रिएट मार्केट रिस्क लिमिट फॉर बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क किसी को याद है बताइए, जल्दी से बताइए बेसिस रिस्क क्या होता है। सेम मैग्नीट्यूड पर होता है वो बेसिस रिस्क। क्या होता है? वर्टिकल डिसअलाउंस सर। फिर से बोलिए। वर्टिकल डिसअलाउंस में जो होता है ना। बिल्कुल ठीक, याद आ गया। वर्टिकल डिसअलाउंस, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस दो होते थे, इसमें तो बेसिस होता था, हॉरिजॉन्टल में क्या होता था? यील्ड कर्व, डिफरेंट वाला, ठीक है, यील्ड कर्व रिस्क, ठीक है, वेयर एवरेज। तो मत, तो यहाँ पे अब आया रिस्क मॉनिटरिंग में आ गया। तो रिस्क मॉनिटरिंग में क्या बोलता है, मॉनिटरिंग प्रोसेस टू एंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एंड रिवैल्यूड एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, द रेट्स यूज्ड इन इंसेप्शन और फॉर पीरियडिक मार्किंग टू मार्क फॉर रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंटिंग पर्पज मस्ट बी
इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। ये हमने एक जगह और पढ़ा था कि ये जो रिस्क वाली चीजें हैं ये इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। अगर कंट्रोल में होगी तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो ऑपरेशन रिस्क में पढ़ा था, ऑपरेशन रिस्क वाले जो ऑडिटर होने चाहिए या ऑडिटर होने चाहिए वो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट से कोई लिंक, बोलिए, नहीं होना चाहिए उनका, उनको टारगेट नहीं होने चाहिए। अगर टारगेट होंगे तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी रिपोर्ट खराब दे सकते हैं आपको, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडल्स यूज्ड फॉर रिवैल्यूएशन फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पजेस और टू मीजर और टू मॉनिटर प्राइस रिस्क, यहां पे आएगा गया प्राइस रिस्क को देखने के लिए, मस्ट बी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड, यहां पर भी। तो बेसिकली मॉनिटरिंग में जितने भी ऑडिट वाले लोग या कुछ इस तरह के हायर पे उस पर बात करते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंटली होने चाहिए, उन पे किसी का जोर नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म प्रिफरेबली कब होना चाहिए, बोलिए, बोलते जाइए, क्वार्टरली। स्ट्रेस टेस्ट कब होना चाहिए, क्वार्टरली, विद प्री डिटरमाइंड चेंजेस इन अंडरलाइंग असम्पशंस ऑफ द मॉडल ऑफ मार्केट। अब यहां पे आएगा मॉडल्स ऑफ एनालिसिस, किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे। तो उसने बोला एप्रोप्रिएट एंड ड्यूली अप्रूव्ड यूजुअली बाय रिस्क पॉलिसी कमेटी मॉडल कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। फुल्ली डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल मॉडल होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल मॉडल का मतलब होता है कि उसमें जो भी फॉर्मूलाज बनाए हैं, जो भी लॉजिक लगाए हैं, उसको प्रॉपर लिखा जाएगा कि ये चीज इस वजह से की जा रही है, इसका ये फायदा है, उसका वो फायदा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वैसा होगा। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोजेक्ट की बात आती है बड़ी मोटी सी बुक होती है तो उसमें वो उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड है सब उसमें, ठीक है। ड्यूली वैलिडेटेड बाई डेजिग्नेटेड पर्सन टू एंश्योर दैट एल्गोरिदम एम्प्लॉयड इन अप्रोप्रिएट। अब एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम कैसे स्टेप बाई स्टेप जो काम करता है उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। तो उसने कहा था कि जो भी एल्गोरिदम उसमें यूज की गई है वो अप्रोप्रिएट है और एक्यूरेट है, ऐसा डेजिग्नेटेड पर्सन ने चेक करना है। नो अनऑथराइज्ड और अनइंटेंडेड चेंजेस शुड बी मेड इन द मॉडल, कुछ ऐसे बदलना नहीं है। द मॉडल शुड ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू मॉडल एजम्पशंस रिव्यू ऑन ए पीरियडिकल बेसिस में रिव्यू करना। तो एक क्वेश्चन वो यहां से पूछ सकता, क्या पूछेगा, मॉडल एनालिसिस में इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है, तो बाकी तीन तो यही लेगा या किसी एक में वो क्या करेगा, वो कर देगा, ठीक है। एक में टुकिएगा, हाँ जी, हेलो, तो अब अगला पॉइंट आया रिस्क रिपोर्टिंग। तो रिस्क की रिपोर्टिंग किस स्ट्रक्चर में करनी है, तो उसने बोला शुड एनहांस रिस्क कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ बैंक फ्रॉम द ट्रेडिंग डेस्क टू द सीईओ, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां से लेकर सीईओ तक रिस्क की रिपोर्टिंग करनी है। इन ऑर्डर टू इंपॉर्टेंट सीनियर मैनेजमेंट रिपोर्ट शुड बी, क्या होना चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, रीजनेबली एक्यूरेट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग हाईलाइट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क कंसंट्रेशन एंड एक्सेप्शनल इवेंट्स होनी चाहिए उसमें, कंटेनिंग रिटन कमेंट्री होनी चाहिए। अब रिटन कमेंट्री का मतलब क्या होता है, रिटन कमेंट्री का मतलब होता है उसमें लिखे जाएगा कि आज 10:20 पर ये वाली सिक्योरिटी डाउन हो गई, ठीक है, 10:22 में फिर उसमें जो है सेल होने लग गया, इस तरह से रिटन एक एक चीज लिखनी है। तो अगर आप एक एक चीज लिखेंगे तभी तो अगला एनालिसिस करेगा उसका, और कंसाइज होनी चाहिए, ब्रीफ भी होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजिंग ट्रेडिंग लिक्विडिटी, ट्रेडिंग लिक्विडिटी मैनेज कैसे करते हैं,
तो उसने बोला कि इज मैनेज बाय द अवॉइडिंग, ये चीज नहीं करनी अगर आपको ट्रेडिंग लिक्विडिटी मैनेज करनी है। अच्छा ये बताओ कि ट्रेडिंग लिक्विडिटी मैनेज करने से मतलब क्या है? बोलिए, ट्रेडिंग लिक्विडिटी मैनेज करना अच्छी बात है खराब बात है? सर जितना हमने ट्रेड किया वो कहता है कि ट्रेडिंग लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है, यानी मैनेज तो करना है उसे और वो अच्छी हाई रहे। तो पहला क्या बोलता है, लार्ज मार्केट शेयर इन एनी गिवन टाइप ऑफ एसेट। तो किसी भी पर्टिकुलर एसेट में क्या नहीं करना है आपने, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है क्योंकि फंस गए तो डूब जाएगा पूरा। इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप कभी कभी आप ट्रेड करते हैं या उनका ट्रेड कम होता है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स विद अनयूजुअल टेन्योर। अनयूजुअल टेन्योर से मान लिया कोई इंस्ट्रूमेंट आया, उसमें आया 951 डेज का इंस्ट्रूमेंट आ गया तो आपको अनयूजुअल लगेगा, या इंस्ट्रूमेंट आ गया 35 ईयर का तो उसमें अनयूजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला, उसके बाद वन साइडेड लिक्विडिटी इन द मार्केट। वन साइडेड लिक्विडिटी क्या होती है कोई बताएगा? वन साइडेड लिक्विडिटी मतलब एक ही ट्रेड में हम पैसा लगाए जा रहे हैं। नहीं, ट्रेड से मतलब नहीं है उसका, ओनली सेल या ओनली बाय इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है, वन साइडेड है उसमें, ओनली सेल और ओनली बाय हो रहा है, मतलब बाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं और सेल करने वाले लोग कम हैं, तो वो क्या वन साइडेड में हो जाएगी। तो खरीदने और बेचने दोनों तरह वाले लोग आपके पास मौजूद रहने चाहिए, तो आपको वन साइडेड लिक्विडिटी में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आती बात रिस्क टर्मिनोलॉजी इन रिस्क मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट जब हम करते हैं तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रिस्क मेजरमेंट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है? से मिस्टर एक्स, अभी इसमें क्वेश्चन आ रखा, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा मेरे को लगता है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक प्रैक्टिकलिटी है इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल में। तो क्या प्रैक्टिकलिटी है, मिस्टर एक्स टेक्स पोजीशन इन स्टॉक ए, ही वांट्स टू एक्सप्लेन हिज बॉस अबाउट द मार्केट पोजीशन। तो उसने क्या है, एक स्टॉक ए स्टॉक में कुछ पोजिशन ले रखी है, यानी कुछ प्लस ज्यादा या छोटा है, तो उसने बोला, उसने बॉस को बोलता है, क्या बोलता है, ही टेल्स द बॉस He has purchased 1000 shares in stock A for 600 per rupee. तो एक सेंटेंस तो ये हो गया, या वो दूसरा बोलता है कि उसने इतना पैसा इतने की पोजीशन लगा रखी है। तो पोजीशन समझ में आई कि कितना आपने एक्सपोजर ले रखा, पोजीशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये बात ऑलमोस्ट एक ही है। He tells the boss he wanted, he invested a stock A. उसने बोला कि अगर ऐसे स्टॉक, इसे ध्यान से सुनिएगा, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा है कि अगर प्राइस चेंज 1% होता है तो उसका इम्पैक्ट 6000 का होगा। तो 6000 इक्वल टू 1% तो 100% कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। बट सिंस द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट 3%, ठीक है, डेली वॉलिटिलिटी फिगर एस्टिमेटेड पास्ट डेटा, ही एस्टिमेटेड डेली पोटेंशियल लॉस इतना। अब देखो यहां पर क्या करका इसने, उसने बोला कि 3% डेली वॉलिटिलिटी फिगर एस्टिमेटेड की हुई है। तो यहां पर या तो इस सेंटेंस को बोले, या इस सेंटेंस को बोले, या इस सेंटेंस को बोले, ठीक है। अब इसने जो ये 41 वाला आंसर दिया है, तो आपके बॉस को मालूम होना चाहिए वन मार्क्स का न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। ये वन मार्क्स का न्यूमेरिकल है आपका, क्या न्यूमेरिकल है देखना ध्यान से रहा। उसने बोला कि मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी कितनी है, 6000, और वॉलिटिलिटी कितनी है, 3%। तो यहां पर उसने बोला हुआ 99%, क्यों, देखिएगा ध्यान से, ये 99% कैसे बना, क्योंकि उसने बोला 1% की बात बोली है। उसने बोला कि प्राइस चेंज बाय 1%, तो 1% का मतलब कितने परसेंट हो जाएगा, 99%। तो 99% उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, और 99% पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.326, ठीक है। अब 2.326 में यहां पर
इसका इंटू थ्री किया, थ्री क्यों किया, वॉलिटिलिटी इंटू जेड, वॉलिटिलिटी इंटू क्या होता है जेड, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो गया, 6 point something कुछ परसेंट हो गया, ठीक। तो उसका जो आपका 6 lakh का है, 6 point इतना परसेंट निकालेंगे तो वैल्यू एट रिस्क क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई। इसको आप करेंगे बाद में क्वेरी में लेंगे, अभी तो सिंपल मेरे को आज एक कंप्लीट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। और एक बार सर, चलो बताते हैं। देखो उसने कहा कि प्राइस चेंज 1% हो रहे हैं, 1% प्राइस चेंज होने का मतलब 99% उसका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। चलो और देखिए, उसने कहा वॉलेटिलिटी कितने परसेंट है, 3% है। तो जो वॉलेटिलिटी है वो जेड से इंटू करी जाती है, ठीक है। जेड से जब इंटू करते हैं उतने परसेंट इंटू अमाउंट करते हैं, ये एक मोटा फॉर्मूला है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका जेड स्कोर कितना है, आपका वॉलेटिलिटी कितना है, तो 3 into 2 करके आ गया। और वो जो है आपका वैल्यू एट रिस्क इंटू 6 lakh से करेंगे तो इतने परसेंट आएगा। ये आप जो वो कर रहे हैं, आप इसके लिए तरीका ये अपना नोट कर लीजिए कि आपको दोबारा से वो करना है। दोबारा से क्या करना है कि आप इसको बाद में दोबारा से देखने की कोशिश करिए, अभी मुझे बढ़ने दीजिए, ठीक है। चलो रिस्क मिटिगेशन, मार्केट रिस्क अराइजेस ड्यू टू द वॉलेटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बार बार पढ़ रखा है हमने, द वॉलेटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर बोथ प्रॉफिट एंड रिस्क। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि वॉलेटिलिटी को हम निकाल के या उसको स्टडी करके दो चीजें बहुत पता करते हैं, प्रॉफिट और रिस्क। रिस्क मिटिगेशन इन मार्केट रिस्क, रिडक्शन इन मार्केट रिस्क इज अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज दैट एलिमिनेट्स और रिड्यूस द वॉलेटिलिटी। तो अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मार्केट रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, जल्दी से आंसर बोलिए, बताइए क्या देंगे आप। अडॉप्टिंग सिंपल आंसर है कि वॉलेटिलिटी को अगर आप रिड्यूस करते हैं, वॉलेटिलिटी के साथ कुछ और चीजें भी हैं। क्या बोला, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स एम्स टू रिड्यूस क्या, डाउनसाइड वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो जो आपके पास पैसा आने वाला है उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम करना। मीन्स आपको 10 lakh rupees आज चाहिए, आपका सिक्योरिटी नहीं बिका, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बट इट ऑल्सो रिड्यूस द अपसाइड पोटेंशियल और प्रॉफिट पोटेंशियल साइमल्टेनियसली। तो वो कहता है कि जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमारे वो अपसाइड पोटेंशियल को भी रिड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि हम डर डर के काम करते हैं, हम एक्स्ट्रा कॉशन होके काम करते हैं, तो जो हमें एक एक्स्ट्रा रिस्क लेके कमा सकते थे वो नहीं कमाते हैं। इस बात को समझ में आया किसी को? Yes, sir. In addition, risk mitigation strategies which involves counterparty, counterparty will always be associated with the counterparty risk. Of course, where counterparty is in established exchange or central counterparty, counterparty risk. तो यहां बोलना, अगर आप किसी exchange से trading कर रहे हैं तो वहां पे आपकी बैड डिलीवरी भी होगी तो आपको पैसा मिल जाएगा टाइम से। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पैसा लगा हुआ उस पर काम कर रहे हैं तो भी मिल जाएगा। तो यहां पर कहता है कि जो काउंटर पार्टी का रिस्क होता है उसे मिटिगेट करना भी काम होता है, लेकिन अगर पार्टी आपकी ऐसी है तो उसमें ज्यादा नहीं होता है। इन ओटीसी डील्स काउंटर पार्टी रिस्क वुड डिपेंड अपॉन द रिस्क लेवल एसोसिएटेड विद पार्टी टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब अगला देखिए, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। तो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में क्या, वॉलेटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट इज मार्केट डिटरमाइंड, बट
वॉलिटिलिटी ऑफ टू और मोर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वुड हैव अ डिफरेंट वॉलिटिलिटी। एज अ रिजल्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्रिएटेड विद डिजायरेबल वॉलिटिलिटी करेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रेटेजीज टू अचीव इट आर डिस्कस। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रिस्क मिटिगेशन पढ़ रहे हैं। रिस्क मिटिगेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो जिस तरह से हमने मार्केटिंग वॉलिटिलिटी को निकालने के लिए कई सारी चीजें पढ़ी थी उसी तरह से ये है। तो क्या बोलता है इसमें, स्ट्रेटेजी यूजिंग सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो रिस्क का मिटिगेशन कर सकते हैं। तो हमने वो तो ऊपर तो पढ़ा ही था कि सेंसिटिविटी क्यों निकालते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि हम अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सेंसिटिविटी निकालते हैं। और सेंसिटिविटी अगर किसी की ज्यादा होती है तो उसमें ज्यादा हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो से अ पोर्टफोलियो हैज टू बैंड, टू है ए और बी का। ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता, छोटा सा क्वेश्चन है। उसने कहा एक की बीपीवी कितनी है 675, दूसरे की कितनी है 205। बीपीवी द पोर्टफोलियो वुड बी वेटेड एवरेज ऑफ बीपीवी ऑल द बॉन्ड्स द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की कितनी हो जाएगी। देखो आपने दो जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ, एक की बीपीवी 675 है, दूसरे की 205 है। अब ये जो 675 है और 205 है, एवरेज पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 440 है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, इफ वी इंटेंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो वी मे एड अनदर बॉन्ड इन द पोर्टफोलियो सच एज बीपीवी। अगर हमें क्या करना है कि अपने इस पोर्टफोलियो की बीपीवी को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज है उससे कम वाले इंस्ट्रूमेंट को और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे, क्योंकि एवरेज 440 है, तो 440 से वाला कम वाला। से वी एड वन मोर बॉन्ड बी टू द बीपीवी द पोर्टफोलियो। तो अगर हमने बीपीवी वाला एक और ले लिया, बीपीवी वाला एक और ले लिया, तो क्या हो जाएगा, देखो 675 प्लस 205 प्लस 205 डिवाइडेड बाई, बोलिए 33 सर। हाँ, क्योंकि तीन हमारे पास हो गए पोर्टफोलियो, तो उससे हमारा रिड्यूस हो जाएगा इतना, ठीक है। सिमिलर स्ट्रेटेजी आर पॉसिबल यूजिंग अनदर सेंसिटिविटी मेजर। और दूसरा सेंसिटिविटी मेजर कौन सा है, बीपीवी के बाद कौन सा पढ़ा था हमने, अगर ध्यान है आपको, तो ड्यूरेशन, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन में भी इंक्रीज बाय एडिंग हायर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट और बाय रिड्यूसिंग लोअर ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग। हमारे इंस्ट्रूमेंट कुछ हायर ड्यूरेशन वाले हैं, कुछ लोअर ड्यूरेशन वाले हैं, ठीक है। तो हमने उसने बताया कि बाय रिड्यूसिंग लोअर, या तो हम हायर ड्यूरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट को ले आए और या लोअर वाले को कम कर दे, ठीक है। सिमिलरली पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन भी हमने दो, जो ड्यूरेशन में पोर्टफोलियो ड्यूरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेलिंग हायर। अगर आपको पोर्टफोलियो ड्यूरेशन रिड्यूस करना है तो हायर वाले को सेल करिए और लोअर वाले को क्या करिए, बढ़ाइए, ऐड कर रहा हूं। सिंपल बात है इसमें, अगर आपको हायर ड्यूरेशन में आप आपको इंक्रीज करनी है, आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, तो हायर वाला क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लोअर वाला क्या करेंगे, माइनस। और अगर आपको माइनस करनी है तो हायर वाला क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे और लोअर वाला क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं ये। स्टडी यूजी कोरिलेशन। अब क्या है, आपका मिटिगेशन कोरिलेशन मेथड से भी हो सकता है। तो उसने बोला दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लीजिए और दैट हैव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ये वाला होता है, ठीक है, वुड मूव एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द इफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैव नेगेटिव कोरिलेशन इट इज नॉट परफेक्ट देन ऑल्सो द प्राइस वुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन बट द मूवमेंट विल नॉट एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमने कोरिलेशन वाले चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि अगर एक का कुछ वैल्यू बढ़ा तो दूसरे का वैल्यू घट जाता है, इसे बोलते हैं नेगेटिव वाला। और जो पॉजिटिव वाला होता है वो कैसा वाला होता है, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ ऐसी स्टॉक का, ठीक, क्या दिया, इफ द प्राइस स्टॉक बाई 10 रुपीज द स्टॉक फ्यूचर वुड ऑल्सो गो अप मे नॉट एग्जैक्टली द। तो वो कहता है कि
अगर ये बढ़ रहा 10 रुपए तो 10 रुपए वो भी बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं 10 बढ़े, हो सकता है 9 बढ़े। तो यहां पर ये दो इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है, दो इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर किया कि उसने कहा नेक्स्ट डे देखा दोनों को ग्रोथ मिली, दोनों को ग्रोथ मिली, तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो नेक्स्ट डे गया तो एक बड़ा और एक घटा तो नेगेटिव कोरिलेशन है। द सेम स्ट्रेटजी आर पॉसिबल विद द इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप भी इन्वेस्टमेंट है और उसमें इन्वेस्टमेंट में दो तरह के फिक्स और फ्लोटिंग रेट होते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट उसने फिक्स में लिया हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट उसने फ्लोटिंग में। एन एग्जाम्पल कुड बी अ पोर्टफोलियो हैविंग अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड एंड एन IRS विद लॉन्ग ऑन वेरिएबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एज मार्केट इंटरेस्ट रेट मूव्स अप द पोर्टफोलियो विल सफर लॉसेस ऑन बॉन्ड एज बॉन्ड प्राइस वुड कम डाउन ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइस क्या होते हैं, डाउन होते हैं, बट स्वैप वैल्यूएशन विल इंक्रीज द IR। IR का मतलब इंटरेस्ट रेट स्वैप, बीइंग लॉन्ग ऑन वेरिएबल रेट, वेरिएबल रेट का मतलब फ्लोटिंग, विल रिजल्ट हायर इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर IRS एंड पोर्टफोलियो द गेन। तो इसमें दो बातें बताई हैं कि अगर यहां पर बोला हुआ है कि अगर यहां पर देखिए, ये यहां से शुरू करता हूं दोबारा। पहला वाला है एन एग्जाम्पल कुड बी अ पोर्टफोलियो हैविंग, कौन सा रेट है, फिक्स रेट, और कौन सा हो सकता है, फिक्स और फ्लोटिंग। और जब इंटरेस्ट रेट मूव अप करते हैं तो पोर्टफोलियो क्या होगा, बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर बॉन्ड प्राइसेस कम डाउन होते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, दोनों मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। बट स्वैप वैल्यूएशन विल इंक्रीज एज IRS बीइंग लॉन्ग ऑन वेरिएबल रेट। तो यहां पर इसने बोला कि अगर आप वेरिएबल रेट के इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में बोला कि आपका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, ठीक है, और विल रिजल्ट हायर इंटरेस्ट, और इससे क्या होगी, आपकी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी, ठीक है। और उसके अगर दूसरी क्वेश्चन बोलता है एंड द पोर्टफोलियो वुड गेन ऑन अकाउंट ऑफ दैट, द नेट इंपैक्ट ऑन पोर्टफोलियो विल रिडक्शन इन लॉसेस और मे रिजल्ट। तो यहां पे इसको मैं क्रक्स में बताऊं, सिंपल बात यह है कि आपने कुछ फ्लोटिंग रेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कुछ फिक्स रेट में। अगर आप किसी एक चीज का पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको पड़ता है, तो जो इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है और आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपसे उस सिक्योरिटी को प्लस या माइनस करते हैं। सिक्योरिटी से मतलब है कि वेरिएबल या फिक्स में आप प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्ट्रेटजीज यूजिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑप्शंस प्रोवाइड अस विद ए मेथड टू हेज मार्केट रिस्क। एन ऑप्शन प्रोवाइड्स अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, बट इट कम एट ए कॉस्ट कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। अब यहां पर जो ऑप्शन होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन, दो ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। तो इसे बोला ऑप्शन प्रोवाइड ए राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, बट इट कम्स एट ए कॉस्ट कॉल्ड द ऑप्शन प्रीमियम। अ पोजिशन दैट इज लॉन्ग ऑन कॉल ऑप्शन कन्फर्स ए राइट टू बाई। कॉल में क्या होता है, बाई होता है, ठीक है। पुट में क्या होता है, सेल। तो दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन मतलब दो, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा क्या होता है, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में कौन सा राइट होता है आपको खरीदने का, पुट ऑप्शन में कौन सा होता है, सेल। और यहां बोला कि पोजीशन दैट इज लॉन्ग, किसमें लॉन्ग है, कॉल में। आपका जो कॉल है
जो कॉल है वो लॉन्ग है और जो पुट है वो कैसा है, शॉर्ट है. बाय द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस कॉल द स्ट्राइक रेट. तो इसने बोला है कि जब आप बाई करते हैं अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, तो उसे क्या बोला, कॉल्ड स्ट्राइक रेट. सुनिएगा बात को, कॉल का मतलब बाई, ठीक है. और बाई में भी अगर आपका प्री डिटरमाइंड प्राइस है, उसने पहले से बोल रखा है, आपने एक ऑप्शन ले रखा कि मैं 3 महीने बाद आऊंगा आपका शेयर ले जाऊंगा, ठीक है, 3 महीने बाद आऊंगा आपका शेयर ले जाऊंगा, और उस दिन का रेट आज ही आपने तय कर लिया, तो उसको वो क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्ट्राइक रेट. अ लॉन्ग पोजिशन ऑन ए पुट ऑप्शन कन्फर्स द राइट टू सेल, सेल, क्योंकि पुट ऑप्शन है. द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एट स्ट्राइक रेट बट बोथ प्रोवाइड्स मीन्स टू अरेस्ट डाउनसाइड मूवमेंट एंड मे बी यूज फॉर हेजिंग पोर्टफोलियो. तो सिंपल की बात अगर पूछा जाएगा कि आप ऑप्शन का ट्रेडिंग क्यों करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्या करने के लिए करते हैं, हेजिंग करने के लिए, या हम उसको बोलेंगे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. इसेंशियली द रिस्क मिटिगेशन मेजर्स इन्वॉल्व्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एज ऑफ स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिस्क ऑल्सो रिड्यूस द अपवर्ड पोटेंशियल. तो उसने बोला जो स्ट्रेटजी करते हैं हम रिड्यूस करने की, तो वो क्या रिड्यूस करती है साथ साथ में, ये भी पीछे बताया, जरा बताओ तो क्या करती है. बोलियो भाई, क्वेश्चन रिपीट कीजिए. मैं कह रहा हूं कि यहां बोला कि स्ट्रेटजी जो रिड्यूस करती है रिस्क, वो आपको आपका क्या चीज और रिड्यूस करती है, रिस्क रिड्यूस करती है. नहीं, वो कह रहा है कि जो रिस्क को रिड्यूस करती है, अभी पहले बोला था मैंने सेंटेंस, जो रिस्क का जो पोटेंशियल है बढ़ने वाला वो कम करती है. नहीं, वो तो कम करते हैं, अभी बोला था मैंने रिटर्न सर, रिटर्न जो, हाँ, और बोलो, खोल के बोलो जरा, बोलो खोल के बोलो, ज्यादा रिटर्न कमाने का चांसेस कम करते हैं. हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप सोचते हो कि मैं गाड़ी अगर 60 से ऊपर चलाऊंगा तो मेरे को एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उससे बचने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी को स्लो चलाते हैं, लो चलाते हैं. लेकिन क्या होता है, जो आप जल्दी पहुंचने वाले होते हैं फिर नहीं पहुंचेंगे आप, होता है, नहीं होता है? सर. तो ये बात ऊपर भी आई थी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे भी इम्फेसाइज किया. और जब आप वहां एग्जाम देने जाते हैं तो इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस आते हैं जो कहीं ऐसा लगता है कि तो सुने नहीं या कहीं सुने सुने थे, तो वहां हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इन द मीन टाइम मैं एक, ये जो पीछे न्यूमेरिकल था उस पे चर्चा करना चाहूंगा. जरा आप लोग एक बार वो देखेंगे, एबीएम का बुक है आपके पास, जरा उसमें 99% पर जरा जेट का स्कोर देखिए, 99% पर जेट का स्कोर देखिए. और कोई जो है 49 कितना, 2.33 है, 2.33 क्या बोले, 2.33 तो अब आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपने 99% पे कैसे निकाला जरा बताइए. तो
हाँ तो हाफ में 47.5 आया। आपका 99 का हाफ कितना हुआ? इधर देखिए अब जरा, ये जो 99% है, हमने जो सीखा था वो 99/2 क्या सीखा था? टू सीखा था। तो 99/2 कितना होता है? 49.5 होता है। और 0.495 पर आप जेट का टेबल देखिए क्या आता है। कितना है? 2.63 आ रहा है या 2.62 बोल दीजिए। बोलिए आ रहा नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं इसलिए मत बोलिए, खुद देखिए बताइए। के बीच में मतलब वेरी करेगा, दोनों में से कोई अपर येलो और लेस। चलो हाँ 2.58 मान लिया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने 2.326 क्यों लिया ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। जरा आंख कान नाक खोल लीजिए। ये इस तरह का डेटा होता है, ठीक है। इसने बोला एक रेंज बोली, तो ये हमारा 50% है और ये हमारा 50% ऐसे ही होता ना, ठीक है। जब आपका वॉलेटिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आप इस 99 को 50 घटा दीजिए 99 में से, कितना बचेगा? 49। तो 49 का आप देखिए अब जरा जेड स्कोर, 49 का जेड स्कोर देखिए। ठीक है बोलिए। यस सर 2.3। अच्छा अब एक चीज और देखिए, अपनी बुक में देखिए कि 0.4901 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है जी? 0.4901 लिखा हुआ है और उसके लेफ्ट में लिखा हुआ है 0.4898। यस सर। और हमारा एग्जैक्टली कितना है? 0.49 है। तो इन दोनों के बीच में आएगा ना कहीं पे? यस सर। इसीलिए इसकी वैल्यू 2.326 ले ली उन्होंने। नहीं समझ में आया? आया माइनस क्यों किया सर? ये समझ नहीं आया। हाँ ये समझ सर, और एक बार सर समझ में नहीं है। हाँ देखो वैल्यू देखना तो आपको आता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या चेंज हुआ है? ये कहते हैं हम वहां तक पहुंचेंगे, इनका टू को साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। हमने जो सैंपलिंग में पढ़ा था उसमें कितने साइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था? टू साइड वाला। हम क्या करते थे उसको डिवाइडेड बाई टू करते थे और फिर कुछ पोर्शन यहां छोड़ते थे और कुछ पोर्शन यहां छोड़ते, यही करते थे ना? यस। लेकिन जो ये वाला जो ये हमारा चैप्टर है
इस चैप्टर में हमें मैक्सिमम और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है। तो उसने बोला कि यहां तक जाना है हमें, तो ये पूरी लेंथ कितनी है? पूरी 99। और आपको ये बता रखा हमने कि हाफ लेंथ यहां तक कितनी होती है? 50। तो ये लेंथ कितनी बचेगी? 49। अभी बात समझ में आई कुछ? हाँ आ गया सर। मतलब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना वॉलेटिलिटी वाला, तो उसमें आप डिवाइड टू करके जेड का स्कोर नहीं निकालेंगे। एग्री? यस सर, एग्री एग्री। ठीक है, करके निकालना पड़ेगा 50 माइनस करके। अच्छा चलो मैं बताता हूं, अगर ये आता कॉन्फिडेंस लेवल 47% तब क्या करते? जेट का स्कोर क्या निकालते? सॉरी 97% 47 का निकालते फिर। हाँ बिल्कुल ठीक, उस कंडीशन में ये एरिया 47 रहता। और 47 का निकाल के बताइए जरा बुक में देख के। 1.88 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.88 होती, इनटू 3 होता, कितने परसेंट हुआ देखो जरा। 5.64 आंसर बताइए, आंसर फाइनल आंसर। बिल्कुल, तो 3384 आता, जो यहाँ पे 4186 आ रहा है वो कितना था? 3384 आता। ठीक हो गया? Yes, sir. चलो अब आओ आगे न्यूमेरिकल पर हम आते हैं। कोई न्यूमेरिकल रह गया था इसमें? और इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल फ्री कर रखा है, आपको कहीं से भी कोई मटेरियल लगता है मिलता है जिनमें इन इन पॉइंट्स का जिक्र है तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल मंगा रखा है वो स्टडी मटेरियल मंगा के ही नहीं करें, उसको करें, कोशिश करें उनको सॉल्व करने की, उसमें मिलेंगे क्वेश्चंस हैं। चलो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा एक रैपअप में जरा ले रहा हूँ, जो हमारा इसमें लेट सम अप है उसको देखते हैं, काफी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। जल्दी से स्क्रीन पे देखिए कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमारा मार्केट रिस्क और कौन सा ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क को कवर किया हुआ है। ठीक है, जो इसमें क्रेडिट रिस्क कवर किया हुआ है वो क्रेडिट रिस्क जो होता है वो किससे निकलता है? इसमें किससे निकलता है? रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग मैम, सोनाली मैम है, बच्चे को थोड़ा सा माइक बंद कर लीजिए। सोनाली मैम, हेलो, चलो मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया। तो अच्छा काउंटर पार्टी रिस्क कब होता है बोलिए? जब किसी से कोई वस्तु खरीदना रहता है सर उस टाइम। अरे नहीं ऐसे नहीं, जब इसके ऊपर जब ड्यू होता है, हमारा ड्यू हो जाएगा तब काउंटर पार्टी। जब ड्यू होता है तो वो नहीं दे तो उस समय काउंटर पार्टी। ठीक है, अच्छा यहाँ मार्केटिंग रिस्क मैनेजमेंट के चार पार्ट कौन से हैं?
काउंटर पार्टी इज डिफॉल्ट रिस्क ना सर काउंटर पार्टी इज इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क कैन बी से नहीं क्रेडिट रिस्क इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क क्रेडिट को डिफॉल्ट क्रेडिट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क अच्छा ठीक है अच्छा मैनेज रिस्क मैनेजमेंट के चार पार्ट समझ में आए आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड मिटिगेशन ठीक है अच्छा फिर हमने बोला कि इनके रिस्क को मेजर कैसे करते हैं दो चीजें कौन कौन सी बताई उन्होंने सेंसिटिविटी डाउनसाइड पोटेंशियल हैं सेंसिटिव और डाउनसाइड पोटेंशियल अच्छा हमने बार बार एक बात करी है कि अपसाइड पोटेंशियल को हम लोग स्टडी करते हैं नहीं करते नहीं करते लेकिन अभी हम जब आज पढ़ रहे थे तो लास्ट में बोल रहे थे कि जब हम लोग रिस्क मिटिगेशन करते हैं तो हमारा अपसाइड पोटेंशियल भी क्या हो जाता है थोड़ा सा डाउन लोअर हो जाता है रिड्यूस हो जाता है ठीक है फिर हमने पढ़ा था कि बेसिस पॉइंट वैल्यू और ड्यूरेशन ये मेजरमेंट है कौन किस पे बेस्ड है सेंसिटिविटी पे किस पे बेस्ड है सेंसिटिविटी पे तो सेंसिटिविटी के दो पार्ट हो गए बीपीवी और ड्यूरेशन फिर हमने वीएआर पढ़ा जिसको बोलते हैं वर्स्ट केस लॉस क्या बोलते हैं वर्स्ट केस लॉस ठीक है और उसमें किस चीज का पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है नॉर्मल कंडीशन में और वीएआर के बाद हमने एक बात और पढ़ी थी इसने कि वर्स्ट केस जो वीआर होता है वो किस पे बेस होता है नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पे अंडर नॉर्मल कंडीशन पे प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है ठीक है तो इसलिए वीआर को क्या नहीं माना उन्होंने वर्स्ट कंडीशन नहीं माना तो उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया बैक टेस्ट सिनेरियो एनालिसिस और स्ट्रेस टेस्टिंग ठीक है और बैक टेस्टिंग क्या होता है मॉडल जो बना है सही है कि नहीं उसने कहा कि मॉडल की जो लिमिटेशंस हैं उसको चेक करने के लिए और उसमें क्या कमियां हैं या उसको कैसे इंप्रूव कर सकता है उसके लिए उन्होंने बोला कि क्या करते हैं उन्हें इंक्लूड बैक टेस्टिंग एंड मॉडल कैलिब्रेशन नए मॉडल के लिए हाँ स्ट्रेस टेस्टिंग की बात आई फिर यहाँ पे आया फंडिंग रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो उसने कहा कि जो मॉडलिंग एजम्पशंस उनको चेक करिए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स का मतलब किन से आप डील कर रहे हैं कैपिटल चार्जेज ऑन ट्रेडिंग डेस्क पोजिशन पर उससे जो है कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करिए रिस्क मॉनिटर करिए ठीक है तो ये किया था है ना तो बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग बहुत पेशेंस से एक एक लाइन को पढ़ के एक एक लाइन को पढ़ा समझा अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप रहता है कि आपका रिवीजन रहता है रिवीजन का मतलब है कि इन्हीं के हेडिंग्स को बार बार देखिए उन हेडिंग्स में कौन कौन से पॉइंट आए जैसे लेट सम अप पढ़ा ना हमने तो लेट सम अप क्या होता है पूरे चैप्टर को ब्रीफ करता है तो लेट सम अप पढ़ने की हैबिट अगर आप डेवलप करें तो इस तरह से हमने मार्केट रिस्क का हॉरिजेंटल अलाउंस डिसअलाउंस वर्टिकल डिसअलाउंस करते हुए और पूरी 11 नंबर यूनिट लाइन टू लाइन बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी मोड में पढ़ी और रिवीजन अगर आप करते हैं तो मार्केटिंग रिस्क से क्वेश्चंस आपको वहां पर 5-6 मार्क्स के मिल जाते हैं तो आपको हेल्प करेंगे ठीक है मार्केटिंग रिस्क हमारा कंप्लीट हो गया कल आपका जो सेशन होगा वो YTM पर होगा ठीक है YTM और जो है आपका टाइम वैल्यू मनी और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ये तीन चैप्टर आपके रहते हैं किसमें एवीएम के बी मॉड्यूल में तो कल मैडम क्लास लेंगी 10:30 बजे से ठीक है 10:30 से जो आपकी क्लास होगी मॉर्निंग में 10:30 से जो क्लास होगी वो YTM से रिलेटेड क्लास होगी ठीक है और उसी से फिर हम उनकी नेक्स्ट क्लासेस में हमको हेल्प मिलेगी टाइम वैल्यू मनी और मैं आपको YTM के बारे में एक बात बता दूं जिनका भी रिटेल का पेपर है रिटेल के पेपर में बॉन्ड इन्वेस्टमेंट YTM से भी क्वेश्चंस आते हैं 5-5 मार्क्स के कई बार
जिन लोगों ने जेआईबी पास कर लिया है उसका मतलब ये नहीं उनको जेआईबी का सारा आता है, कुछ लोगों को आता होगा जरूर, तो इसलिए वो क्लास जेआईबी के साथ मिक्स होगी 10:30 पर, ठीक है 10:30 पर क्लास होगी। अगर वो टॉपिक पूरा नहीं होगा तो शाम को एक और क्लास होगी, ठीक है। और कल जो है उसके अलावा एक क्लास मेरी होगी, मैं उसमें जो है YTM टॉपिक कौन से उसमें ये आपका एक्चुअली ये मिक्स टॉपिक होता है YTM आपका इसमें है ABM में। इससे नेक्स्ट यूनिट हम करेंगे यूनिट नंबर 14 शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है हम लोग यूनिट नंबर 14 शुरू करेंगे जिससे हमारा काफी कुछ पूरा हो जाएगा फिर, ठीक हो गया। बी मॉड्यूल हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ जाएगा, क्लियर हो गया। एबीएम का बी मॉड्यूल में कुछ नहीं आता है। हाँ एबीएम का बी मॉड्यूल जो है वो कल का क्लास जो होगा वो उससे रिलेटेड होगा। सर आपकी क्लास का टाइम थोड़ा सा चुकी 10:30 ना काई काई बड़ा गोलियाटा बड़ा गोलियाटा सर आपकी क्लास का टाइम